हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नवंबर की 3 तारीख है और आज का ये वीडियो बोगनविलिया पर लगभग 1 महीने यूज़ किए गए फर्टिलाइज़र के अपडेट को लेकर है। शायद अक्टूबर की स्टार्टिंग में मैंने अपने बोगनविलिया के पौधों पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था। उस वीडियो में डिटेल से बताया था कि किस तरह बोगनविलिया के पौधों पर हमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड जब तक इस खाद का अपडेट नहीं दिया जाएगा तो ये पता लगाना मुश्किल होगा कि खाद ने अपना असर ठीक से किया कि नहीं। मैंने उस वीडियो में अपने बोगनविलिया के सभी पौधों पर बायोजाइम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया था। मैंने इन फर्टिलाइज़र को गमले की मिट्टी के बीचों बीच में ऐड किया था। एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास बायोजाइम फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं या सिर्फ नॉर्मल गोबर खाद का यूज़ भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी का समय बोगनविलिया पर फ्लावरिंग के लिए वैसे भी परफेक्ट टाइम रहता है। इसलिए आप कोई भी सिंपल फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने बोगनविलिया के प्लांट पर इस समय कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिन साथियों को उस वीडियो की ज़रूरत हो उस लिंक से उसे देख सकते हैं। बाकी आगे के अपडेट वीडियो को आप बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए, इसमें पूरे 1 महीने का अपडेट है।